दोस्तों आज हम बना रहे हैं खट्टे खट्टे आम की अमनियों की उम्दा चुंदा चुंदा। आई एम सॉरी, चुंदा। मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ ये नाम। हाँ, लेकिन सब लोगों ने खाया है, अलग अलग नाम बोलते हैं इसे। मैंने जब गूगल पे देखा तो इसका नाम चुंदा बोला था। आप इसको आम की चटनी बोलिए, आम का मामलेट बोलिए, जैम आमलेट, बोलिए, नहीं जेली बोलिए, यू नो जस्ट अबाउट मुरब्बा बोलिए, एनीथिंग, इट वर्क्स। ओके, सो व्हाट आई डिड इज, ये छोटे छोटे आम लिए मैंने, कच्चे आम ऑब्वियसली, जिनको मैंने पील कर लिया है। और पील करने के बाद, धोने के बाद, मैं एक बड़े साइड के ग्रेटर से, राइट द बिग वन आई एम यूजिंग, एंड आई एम गोइंग टू टेक ऑल दिस ग्रेटेड इनटू बिग बिग लच्छा। ये बिग बिग लच्छे बन जाएंगे इसके। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ चार पांच ऐसे छोटे छोटे आम मिले थे मार्केट में, तो मैं ले आई थी। और जब आप ग्रेट करें, ऑब्वियसली ध्यान रखें कि इसके अंदर एक छोटी सी गुठली होगी। लेट मी शो यू वन। वैसे हर आम के अंदर गुठलियां होती हैं, इसके सो अंदर दिस बहुत वाज बहुत ही छोटी बहुत गुठली ही है। छोटी थी, विच इज क्वाइट अमेजिंग। ठीक है, तो ये इसमें निकली। आप ध्यान से बस, एज यू ग्रेट यू विल यू नो फील इट। सो फर्स्ट स्टेप इज, लेट्स जस्ट ग्रेट द आम एंड देन गेट रेडी। सो गाइज, दिस इज आर ड्राई स्पाइसेस जो हम इसमें डालेंगे। और मैंने क्या किया है, अपने पैन में इसे ड्राई रोस्ट कर लिया था। तो आप देख सकते हैं, गोल धनिया 2 चम्मच, सौंफ ली है और जीरा लिया है। इसको आप बिल्कुल भी तेल या घी मत डालिए, जस्ट डू इट ड्राई रोस्ट ऑन अ स्लो फ्लेम। सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। और ये है हमारा जो कद्दूकस किया हुआ आम, कच्चा आम। पैन, वही वाला पैन मेरा पीछे ऑन है, दिस इज माई पैन। अब इसमें हम डाल देंगे अपना आम। अरे जो ड्राई रोस्ट जो हमने किया था, हम बात कर रहे थे अभी उसकी, मतलब घर में इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी कि जो ब्रीज या फैब्रिक जो भी होते हैं वो उससे 1000 times बेटर थी। एनी टाइम बेटर। हाँ, और इतनी अच्छी खुशबू आती है। और अगर आपके पास एक छोटी सी कूट दानी है हाँ तो आप उसमें फ्रेशली ग्राउंड कीजिए। नो नीड टू यू नो इसको आप एक्सेस में करके ये सील मत कीजिए, बिकॉज जब आप फ्रेश रोस्ट करते हैं तो उसकी एक अलग ही अरोमा आता है किसी भी चीज में आप डालेंगे तो। मसाले को जब आप भूनते हैं खड़े मसालों को, तो उनका हल्का सा जो फ्लेवर या तेल होता है वो निकलता है, उसी से बहुत अच्छा अरोमा आता है। तो इसलिए खड़े मसालों का अलग स्वाद है और पीसे मसालों का अलग है। बिल्कुल। और जैसे टेक्सचर, आपने दरदरा पीसा है, बारीक पीसा है, हर चीज का एक अलग ही स्वाद आएगा। तो इसमें अब हम डालेंगे, देखिए, खट्टी मीठी जली जैसे आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। मैं एक बहुत ही बेसिक बना रही हूँ, तो इसमें जरूर पड़ेगा काला नमक। काला नमक, हाँ ठीक है, तो मैंने डाल दिया ये। काला नमक होगा। आपने देखा होगा जो काला नमक होता है वो गोलगप्पे के स्टैंड में काफी हाँ होता है, ये बहुत अच्छा लगता है उससे ना। हाँ गजब का एक यू नो काले नमक का एक अलग स्वाद आता है। लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं काला नमक गरम होता है, मैंने राइट? भी सुना है काला नमक गर्म लेकिन होता है। आजकल लोग बहुत ज्यादा ये काला नमक या रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट आजकल यूज कर देखो रहे हैं। ट्रेडिशन भी चला है वेगन और पता नहीं क्या क्या, ये भी कर हाँ लो वो भी कर लो, वो डाइट ये डाइट केटो डाइट। सो आप हाँ अपने ट्रेडिशनल खाना खाइए जो इसके आपके जो आपके जीन्स और डीएनए में इम्प्रिंटेड है, और इसे एंजॉय करिए लाइफ को। बिल्कुल। तो इसको मैं थोड़ा पकाती हूँ पहले, ठीक है, ताकि ये पक जाए। अच्छा, हमें एकदम 100% पकाना नहीं है, हमें इसका टेक्सचर चाहिए थोड़ा क्रंची। सो आप बिल्कुल गलाना नहीं है, बट आई विल कुक इट मैं फॉर समझ गया, फिफ्टी जैसे हम परसेंट रोटी के बीच में खाएं या परोंठे के बीच में खाएं तो हाँ इसके जो रेशे हैं वो दिखने चाहिए या आपको। सो बेसिकली प्लान ये है कि शाम को बनेंगे परोंठे, तो उसके साथ लगेगी ये फ्रेश जली। मुझे तो रोटी के साथ अच्छा लगेगा। रोटी नहीं मिलेगी आज। तो ये देखिए, हमारी ये हमारा जो ये आम है, ये काफी जल्दी गल रहा है। और इसमें मैं डाल दूंगी ये शक्कर। ये शक्कर है एक्चुअली गुड़ की ओ शक्कर, अच्छा, तो गुड़ जो पिसा हुआ है वही है ये। और आप चीनी से भी बना सकते हैं, बट सी दिस काइंड ऑफ अ हेल्दी सब्स्टिट्यूट इज अ टेस्टी सब्स्टिट्यूट, आई विल से मैं दैट। तो कहूंगा नॉट इवन टेस्टी, उससे ग्लेज आता है गुड़ वगैरह हाँ, से और एक और रंग आता है, रंग बहुत ही आता है जो सुंदर। व्हाइट में नहीं आता है। बिल्कुल। तो आप चीनी देखिए, ये खट्टी मीठी बननी है तो आप उस हिसाब से डालिए। लेकिन ये याद रखिए कि जो आम है वो बहुत खट्टा होता है। नहीं, आम को चख के आप देखिए कैसा आम है आपका, हाँ कहीं मीठा आम निकला तो। हाँ तो ये देखिए, ये जो मेरी जली जैसा खट्टा
चुंदा है, इट इज गेटिंग रेडी। तो इसके कई वेरिएशन होते हैं, गरम मसाला भी डालते हैं लोग, खजूर डालते हैं, नट्स डालते हैं, जिसमें नट्स में पड़ता है वो काजू, व्हाइट व्हाइट कलर का काजू दिखता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू एड मच। अच्छा, इसमें स्पाइसेस हम अभी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च, जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी, ज्यादा नहीं, लाल मिर्च आप डालिए। हमने डाली है इसमें लाइक अबाउट 1 teaspoon ऑफ लाल मिर्च। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे और तब तक साइड में मैं अपने मसालों को थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये है ग्लेज जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, इफ यू कैन सी, गुड़ से ये ग्लेज, डार्क रेड ब्राउनिश सा ग्लेज होता है। और ये है मेरा मसाला जो मैंने ऐसे हल्का सा दरदरा सा पीसा है, मतलब क्रश किया है, नॉट इन द मिक्सर। तो ये मैं सारा नहीं यूज करूंगी, जो बाकी हमारा बच जाएगा, यू कैन यूज इट इन एनी रेसिपी, कोई भी गोभी की कोई भी सब्जी बनाएंगे वो हमारा यूज हो जाएगा। सो मसाला डाल दिया और साइड में मैंने क्या किया था, थोड़ा सा किशमिश भी धो के रेडी किया है, सो यू कैन ऐड सम किशमिश आल्सो इन दिस। किशमिश से भी काफी मिठास आ जाएगा। हाँ, अब किशमिश भी खट्टा मीठा है, राइट, सो इट्स अ जेली। और साथ ही हम डालेंगे ट्रेडिशनल इंडियन जैम हो गया। हाँ, एकदम, ये देखिए कितना सुंदर, आप साइड में एक अचार की तरह लीजिए, पराठे के साथ, पूरी के साथ। और इसको इतना भी मत बनाइए कि प्रिजर्व करना पड़े, कम कम बनाइए। हाँ। और एक हफ्ते तक का खाइए बस। और ये मैं डाल रही हूँ हल्का सा इसमें गरम मसाला, बहुत ही कम, ये पूरा भी नहीं डालूंगी मैं, ठीक है। अब इसको बस 2 मिनट तक मैं चलाऊंगी एंड इट इज ऑल रेडी टू बी सर्व्ड। तो मेगा से आप इसको कुछ देर वेट करेंगे? हाँ, थोड़ा सा वेट करते हैं, मसाले अभी अभी डाले, हालांकि वो भुने हुए हैं, बट स्टिल आई वॉन्ट टू गिव इट लाइक 2-3 minutes एंड देन इट विल बी ऑल डन। सो गाइज, दिस इज एब्सोल्युटली रेडी इफ यू कैन सी, और इसको थोड़ा टाइम हो गया है तो ये ऑलमोस्ट फॉर्म भी होने लगी है, सो इट्स गेटिंग सॉलिडिफाइड। और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी या ऑयल यूज नहीं किया है, सो वी शुड बी एबल टू फिनिश दिस इन अ वीक ऑफ टाइम, बट यू कैन इवन रेफ्रिजरेट इट, आई थिंक इट शुड बी फाइन इन द फ्रिज फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ वीक्स। And try this with parathas or puris, and let us know how you liked it. It's just a. And yeah, don't eat like this, like a sabzi or a curry. Haan. Like it's like a, it will be a little bit heavy. हाँ. तो इसको अचार की तरह खाइए, जैम की तरह खाइए और enjoy करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. Thank you so much for watching our channel. Thank you.